वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। तो दोस्तों आप सभी के लिए सुबह सुबह जो है एक जानकारी शेयर करनी थी पीएफ विड्रो से रिलेटेड, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, आप अच्छी तरह से समझ सके। तो यहां पर मैंने ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है उसको ओपन कर लिया है। यहां पर ओपन करते तो एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं ओके। अब यहां पर पूरी डिटेल मेंशन करके मैं जो है सबसे पहले साइन इन कर लेता हूं। यहां पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। अब यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूं और हम जो है एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा या फिर फॉर्म 10D अप्लाई करने के लिए क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहां पर जो है पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करते हैं जो हमारे यूएन अकाउंट के साथ लिंक है। तो चलिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं और मेंशन करने के बाद यहां पर वेरीफाई का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर यस कर देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो गया है। उसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूं, वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद यहां पर इस तरह से जो है विंडो आ जाती है, पेज आ जाता है। अब एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए हम जो है यहां पर अगर हमें पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है एडवांस में तो यहां पर हम जो है पीएफ एडवांस फॉर्म 31 जो है सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसे यहां पर मैं पीएफ एडवांस फॉर्म 31 सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहां पर आपको जो है ना सेलेक्ट सर्विस, यहां पर सर्विस जो है सेलेक्ट करनी रहती है और जैसे सर्विस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर पारा सेलेक्ट करना रहता है कि भाई आपको जो है एडवांस में पीएफ का पैसा क्यों निकालना है। तो यहां पर जैसे मैं पारा के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे ईपीएफओ ने दोबारा से जो है ना आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19 का जो पारा है उसको हटा दिया है। समझ में नहीं आता ईपीएफओ इतना कंफ्यूज कैसे हो गया है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ईपीएफओ क्या करना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि बताया था कि पारा जो है ईपीएफओ ने आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक का हटा दिया है। उसके बाद जो है 2-3 दिन पहले की बात है वापस से आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19 का पारा आ गया था, अवेलेबल हो गया था। बट यहां पर आप देखेंगे दोबारा से ईपीएफओ ने आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19 का जो पारा है उसको हटा दिया है। यहां पर मैं देखिए मैं सुबह सुबह आपको जो ये जानकारी शेयर कर रहा हूं, आज है 16 दिसंबर 2023, 8:56 हो गए हैं। तो यहां पर जो है ना ईपीएफओ ने ये बदलाव कर दिया है। ईपीएफओ बोल सकते हैं कंफ्यूज है, क्या करना चाहता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है कि ईपीएफओ अब जो है आपको आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19 का जो पारा है वो अब वापस नहीं देगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आप ये जो इलनेस का जो पारा है ये सेलेक्ट करके एडवांस में निकाल सकते हो। इलनेस पारा के तहत जो है आप महीने में केवल एक बार ही निकाल सकते हो, पहले जो है कोई ऐसी लिमिट नहीं थी। बट अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने कुछ महीने पहले जो है ये बदलाव किया है कि इलनेस पारा के तहत आप महीने में ओनली एक बार ही एडवांस में निकाल सकते हो। तो इस पारा के तहत आप निकाल सकते हो, जल्दी क्लेम आपका सेटल हो जाएगा अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो। तो ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने थी, आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, प्लीज़ यार 10-15 सेकंड लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ये भी आप जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।